पवन सिंह, पवन सिंह। आपका नाम क्या हुआ? गुड्डू पांडे पिसाई औरंगाबाद। अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। दोस्तों हम लोग अभी कोढ़ी गोला में है, आवाज नामांकन है पवन सिंह का, और जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सारा भीड़ है और बोर्ड वगैरह भी देखिए, यहाँ पर बोर्ड वगैरह ये सब है, लगने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर चलिए कुछ लोग हैं, उन लोग से हम बातचीत कर लेते हैं कि पवन सिंह को कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? पवन सिंह। पवन सिंह को ही क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? पवन सिंह क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ। आजकल उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जनता में देखने को मिल रहा है। जी जी जी, इसीलिए पवन सिंह को फुल सपोर्ट है। मैंने पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? पवन सिंह, पवन सिंह। आपका नाम क्या हुआ? गुड्डू पांडे पिसाई औरंगाबाद। अच्छा अच्छा, पवन सिंह को ही क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं? युवा चेहरा है जी, काम करने का टेंडेंसी है, दो बार सबको मौका देख लिया गया। राजा राम सिंह भी हमारे क्षेत्र ओबरा से दो बार विधायक रहे थे, उनका भी कार्यकाल हम लोग देखे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी देख चुके हैं, इसलिए अब पवन सिंह को देख रहे हैं, नया चेहरा है, काम करने का स्टेमिना है, हर लोग से मिलने का इच्छा रहता है, मधुर भाषी है, नेता का मधुर भाषी और मिलनसार होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने में भी सब लोग से मिल भी नहीं पाते हैं, ये सब कारण है। इस सब से हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, नेता वो होना चाहिए कि हर लोग का सुख दुख में साथ रहे, हर को सम्मान करे। हर ऐसे भी तो पवन सिंह को लोग कहते हैं कि जीत जाएंगे तो यहाँ से वो चले जाएंगे, वो मुंबई चले जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, रवि किशन मुंबई चले गए, निरहुआ मुंबई चले गए हैं नहीं, इसके बाद तब मनोज तिवारी मुंबई चले गए, दो दो बार सांसद है, सब कोई को चाहता है। राज तिलक राजनेता का पद सब सर्वोत्तम पद है और ये पद सब कोई लेना चाहता है, इसीलिए तो बड़ा बड़ा लोग इस चीज पर आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि खुलेआम जो है पवन सिंह को सपोर्ट किया जा रहा है, फूला फूला पूरा। अगर पवन सिंह के बीच में लोग कई लोग कर, अच्छा पवन सिंह ने लगातार कई लोगों को मदद किए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो अभी नेता बने नहीं है, एक बेटा बन के रहना चाहते हैं, कई लोगों को मदद किए हैं, जैसे आग से किसी का अगर घर जल गया है या फिर और कोई किसी प्रकार को कोई समस्या है तो उसमें मदद कर रहे हैं। मदद करेगा तब ना नेता होगा, लोग में जन जन में सेवा, जन जन में सेवा भावना होनी चाहिए। मदद किए लोग का चाह हुआ, धीरे धीरे आगे पॉपुलर हो गए, आगे बढ़ने लगे, लोग उनको इस रूप में सांसद के रूप में देखना चाह रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राजा राम जी का नॉमिनेशन हो चुका है और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को होना है, तो पवन सिंह का सबसे ज्यादा भीड़ रहेगा या नहीं रहेगा? अरे पवन सिंह, इतना दोनों को मिला के पवन सिंह का अकेले भीड़ रहेगा, इतना राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का रहेगा, दोनों को मिला दीजिएगा उससे कई गुना ज्यादा पवन सिंह का भीड़। इस बार पवन जी को विजयी होगा, पवन सिंह का विजयी होगा, भगवान से ही हम लोग कामना भी करते हैं, पवन सिंह भारी मत से विजयी होगा। इसमें न तो कोई जात है न कुछ है, सब वर्ग का लेकिन है, सब वर्ग का जीवा लोग। दोस्तों हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।